लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कभी कह रहे हैं ईडीए जाओ, कभी कह रहे हैं कंफ्यूजन मतलब दूर नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना ये है कि सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती, क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। नगर निगम की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हम लोग आए हुए हैं वार्ड 48 और वार्ड 49 के पार्षद बैठे, ना तो कोई पार्षद है, ना कोई है, ना कुछ भी तरह की मतलब कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे। लोग बाग ऐसे भ्रमित हो रहे, कभी यहाँ भेज रहे, कभी ADA दे रहे। हम लोग 1.5-2 महीने से हमारे जो मतलब AN और JN वगैरह इनके साथ हमने पूरा सर्वे करवा दिया, पूरी मतलब दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी क्या अधिकारी इस पर जोर नहीं दे रहे। ये मतलब मिलने ही चाहिए। धारीवाल जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को पट्टे दिए जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कभी कह रहे हैं ADA जाओ, कभी कह रहे हैं कंफ्यूजन मतलब दूर नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना ये है कि पब्लिक का कहना ये है कि चाहे ADA दे चाहे निगम दे, बस सिर्फ हमको पट्टे दिए जाए। प्रचार प्रसार की सर आप देख ही रहे ना, सुबह से बैठे वो आ रहे, लोग बाग परेशान हो रहे, कभी कह रहे इधर जाओ, कभी कह रहे इधर जाओ। ये मतलब लोगों को गुमराह करने का तरीका है। बस कहने का मतलब ये लोग बाग भ्रमित हो रहे और कुछ नहीं, बस ये प्री कैंप लगा दिया, मतलब टाइम पास का साधन बना दिया। वार्ड नंबर 49 लक्ष्मी बिल्ले लगन के मच्छी। देखिए कैंप चल रहा है जो 7 दिन हो रहे हैं इस कैंप को, लेकिन आप देख रहे हैं कैंप के हालत क्या है। लोग आते हैं, धक्के खाते हैं, अपने घर से पूरे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, आने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो कभी कोई गिरदारवर के पास जा रहा है, तो कोई किसी पार्षद से पूछ रहा है, कभी अधिकारी से पूछ रहा है, कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो कभी ADA में कोई बस्ती आ रही है, तो कभी निगम में आ रही है। ये अभी तक किसी को अवगत नहीं कराया गया है कि ये बस्ती निगम में आ रही है कि वहाँ ADA में आ रही है। यहाँ तक कि हम पार्षद भी इस चीज़ से परेशान हैं कि हमको अभी तक ये नहीं बताया गया कि आपकी कच्ची बस्ती कौन सी है, आवासीय है तो कहाँ पर, आपके ADA में आ रही है या निगम में आ रही है। सिवाय जनता को परेशान करने के सिवा सरकार के पास कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ कह दिया कि हम कैंप लगा रहे हैं, हम पट्टे दे रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि 2 तारीख को जो पट्टे देने की बात कर रहे हैं, कितने पट्टे मिलेंगे। बैठे हुए खाली प्रशासन आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो टेंट लगा कर बैठे हैं, अपने समय पास कर रहे हैं। इससे नगर निगम का भी हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा क्योंकि अधिकारी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैं सरकार को कह देना चाहती हूँ, कम से कम अगर इस तरह की अगर आप कैंप लगाते हैं तो उसको आप इस तरह देखिए कि पहले उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, कौन सी बस्ती में, कौन से ADA में, कौन से निगम में, कहाँ क्या चीज़ आ रही है, वो भी अवगत कराएं, ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। आप देख रहे हैं बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं पट्टे के नाम से, कच्ची बस्ती के लोग, गरीब लोग आ रहे हैं, सिर्फ धक्के खाकर यहाँ से जा रहे हैं, उनका किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसी सरकार गुमराह ना करे, जैसे खुद सोई हुई है उसी तरह हमारी जनता को परेशान ना करे। यहाँ नगर निगम में लोगों के काम होते हैं, लोग आशा लेके आते हैं, तो पट्टे जहाँ भी पट्टे देने हैं, जहाँ भी अगर बस्तियाँ आ रही हैं, पहले उसको अच्छी तरह से उसको पटवारी से कहकर या गिरदावर से कहकर जैसे भी उनको पहले अवगत कराएं, उसके बाद ही इस तरह कैंप लगने चाहिए। भारती श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 16 पार्षद। ये आप देखिए कैंप जो हमारे राजस्थान सरकार के जो दिशा निर्देश आए हैं उसके आधार पर कैंप लगा, मगर आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है, जनता परेशान हो रही है। यहाँ जनता को जो कोई पट्टे का फॉर्म लेना आता है तो बोलता है कि आपकी कच्ची बस्ती ADA में आ रही है, ADA जाते हैं नगर निगम में आ रही है। यानी पूरी तरीके से यानी प्रशासन ये नहीं अवगत करा पा रहा कि पब्लिक को पट्टे कौन देगा। यानी हम लोगों ने जो पार्षदों ने सभी पार्षदों ने फॉर्म भराए हैं उनके अंदर आप देखिए कि सभी कच्ची बस्ती के एरिया हैं। हमारे यहाँ देख लो आप, नॉन कलकत्ता, गुजर धरती, झलकारी नगर, सुनहरी कॉलोनी, रावड़िया मोहल्ला, ये सभी सारी कच्ची बस्ती है और पूरे स्लम एरिया के अंदर आती है। ऐसे में लोगों को किस तरह मुसीबत का सामना करना पड़ता है? आप ये देखिए पब्लिक यहाँ निगम आती है तो वहाँ निगम वाले बोलते हैं कि आपकी कच्ची बस्ती इसके अंदर नहीं है, आप ADA जाइए, हमारे पास 12 बस्तियाँ कच्ची बस्ती है जो चिन्हित है हमारे नगर निगम के अंदर। ADA वाले बोलते हैं कि हमने नगर निगम को सपोर्ट कर दिए, तो अभी तक यानी कोई झोल झमेले में चल रहे हैं। अभी आप फॉर्म देख लिए, पूरे अजमेर में सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड के फॉर्म मैंने भरे हैं और उनके अंदर LIR और JN साहब ने पूरी मेहनत करी, मैंने मेहनत करी है, उसके बावजूद ये पता नहीं कि पट्टे कौन देगा। यानी पट्टे का यानी कोई पता नहीं है कि पट्टे कौन देगा। सरकारी पूरी गाइडलाइन अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, इनको अधिकारी को ये पता नहीं है कि किस तरीके से पट्टे दिए जाएंगे, कौन को कब दिए जाएंगे। कोई प्री कैंप लग रहा है मगर इसके अंदर आप देखिए कोई अधिकारी नदारद है, उनको पूरी तरीके से किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। किस तरीके से काम कर रही है आपकी सरकार? सरकार की तरफ से पूरा योगदान है, सरकार ने बोला कि भाई अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएँ, अधिक से लोगों को इससे फ़ायदा मिले, पट्टे दिए जाएं, मगर प्रशासन है जो उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन की तरफ कोई भी काम सही तरीके से नहीं है। यानी आप ये देखिए कि जो नगर मित्र के पास में, आप नगर मित्र वाले से पूछिए कि उनके पास कितने फॉर्म जमा हुए हैं अभी तक यानी सब पार्षदों फॉर्म भरे हैं मगर उसका भी कोई सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। शिकायत करोगे सरकार को? नहीं, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को शिकायत करेंगे, शांति धारीवाल जी को शिकायत करेंगे, अजमेर के अंदर इस तरीके के काम चल रहे हैं
और जबकि पूरे एरिया के अंदर कच्ची बस्ती के एरिया सारे उनको लोगों को पट्टे स्थान यानी लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आज 20-25 साल बाद पट्टों का काम हो रहा है, मगर उसके अंदर भी अगर इस तरह की बात रही तो ये फिर कागजों में काम चले होगा और लोगों को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका नाम? निर्मल कुमार भैरवाल, वार्ड 48।